वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू क्रिएट ए स्पिन व्हील इन एमएस पावर पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंसर्ट टैब पे जाए एंड क्लिक ऑन चार्ट, सिलेक्ट द पाई शेप एंड क्लिक ऑन ओके। यहाँ सेल्स में 1 डालकर 13 तक ड्रैग डाउन करिए एंड क्लोज। उसके बाद इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब व्हील को साइड में कर देते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट, सिलेक्ट ओवल शेप एंड शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग डाउन कर लेते हैं। गो टू फॉर्मेट, शेप फिर से ऑरेंज कलर चूज कर लेते हैं, आउटलाइन से नो आउटलाइन एंड सेंटर में सेट कर देते हैं। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन सिंबल। यहाँ स्टार्ट और पॉज का सिंबल इंसर्ट कर लेते हैं। क्लोज। इनको सिलेक्ट करके होम टैब पर क्लिक करते हैं और इनकी साइज 24 कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट लेआउट एंड क्लिक ऑन डेटा लेबल, सिलेक्ट इनसाइड एंड यहाँ नंबर्स आ जाएंगे। फिर सीरियल वाइज 1 to 12 टाइप करेंगे। उसके बाद गो टू होम इज 32 एंड बोल्ड कर देते हैं। सिलेक्ट व्हील एंड गो टू एनिमेशन और स्पिन एनिमेशन चूज करते हैं। एनिमेशन पेन ओपन करके राइट क्लिक करके टाइमिंग पे आ जाते हैं। ऑन क्लिक ही रखेंगे, ड्यूरेशन से 5 सेकंड वेरी फास्ट एंड रिपीट से अंटिल नेक्स्ट ट्रिगर से स्टार्ट एंड ऑल चूज कर लेंगे। ओके। उसके बाद एड एनिमेशन एंड अपीयर पे अपीयर सिलेक्ट करते हैं। गो टू एनिमेशन पेन एंड राइट क्लिक करके टाइमिंग पे आ जाते हैं और ट्रिगर्स पे क्लिक ऑन स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ एंड सिलेक्ट ऑल एंड ओके। क्लिक ऑन इंसर्ट शेप से सिलेक्ट एरो, गो टू फॉर्मेट शेप, आउटलाइन से चूज आउटलाइन एंड विड्थ से 6 पॉइंट। उसके बाद टास्क फॉर्मेट बैकग्राउंड आते हैं। ग्रेडियंट कलर यहाँ से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो अब स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो व्हील स्पिन हो रही है एंड पॉज पे क्लिक करते ही व्हील स्टॉप हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ